Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Bol 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Gurudev ki Jai, Prabhupada ki Jai, Jai Gaur Brahmadev, Hare Krishna. Gatakala hum log shravan kar rahe the, Mahaprabhu ne bataye, jab to koi 1 lakh harinam grahan nahi karta hai, uska haath ka diya hua vastu mein grahan nahi karta. इसलिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय में लोग कोशिश करते हैं. इधर बैठो. संजय बाबू आए ना क्या? कहाँ है? उनको इधर बुलाओ. हाँ नहीं ठीक है मैं गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे. महाप्रभु ने बताए जब तक कोई 1 लाख हरिनाम ग्रहण नहीं करते हैं तब तक उसका हाथ का दिया हुआ वस्तु में ग्रहण नहीं करते. इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव लोग कोशिश करते हैं जैसे 1 लाख हरिनाम कैसे पूरी करें उसके लिए कोशिश करते हैं. गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे. अगर 16 माला अगर कोई कोशिश कर करने के लिए ना, अब देखना दिन भर करते 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 16 माला भी खत्म नहीं कर पाते. अगर कोई 1 लाख हरिनाम अगर कोई कोशिश करे करने के लिए, अब देखना 6-7 घंटा लगेगा 1 लाख हरिनाम पूरी करने के लिए, सवेरे से लेकर शाम तक. अगर कोई कोशिश करे 1 लाख हरिनाम करने के लिए, उसका दिमाग पूरा हरि नाम में ही, उसका दिमाग पूरा डूबा रहेगा, केवल हरिनाम में डूबा रहेगा. किसी तरह से सोने से पहले हरिनाम पूरी करके कोई सोएगा, दिन भर हरिनाम करेगा, रात में क्या होगा,
दिन भर जिस चीज पे चिंतन करके रात हुई वही चिंतन होगा। लगे था कि सहने की भजने की बाजा करेंगे भैया, जगते समय तो हरिनाम कर सकते हैं, कहते सोते समय कैसे हरिनाम करे। महाप्रभु कहते हैं कि सहने सोते समय भी हरिनाम कर। अभी तीन बार जो कुछ आप देखना, तीन बार जो कुछ कहते हैं रात को सो गए तो वही चिंता दिमाग में आती है। अगर दिन भर हरिनाम करेंगे जब सोएंगे देखना दिमाग में भी वही चीज दिमाग में भी चलते रहेगी। इसलिए कल हम लोग ये सब श्रवण कर रहे थे, लिखा पढ़ा सब कुछ करने का जो सार है हरिनाम संकीर्तन ही जीवन का सार है। इसलिए अगर सारे शास्त्र को मंथन करेंगे तो अगर इसका सार निकलेगा ना, जैसे दही को मंथन करने से मक्खन निकलता है, शास्त्र को अगर मंथन करेंगे सार अगर निकलेगा भगवान का नाम भी सार निकलेगा। इसलिए भागवत जब सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं कितना एतद निर्विद्यमानानां इच्छताम अकूत भयम योगिनाम नृप निर्णित हरि नामानुकीर्तन। सुखदेव जब प्रारंभ किए वो कहते एतद निर्विद्यमानानां, हाँ जो संसार से संपूर्ण रूप में मुक्त हो गए हैं, इच्छताम अकूत भयम, अगर जीवन में कोई अभय बना चाहते हैं और योगी नाम निर्पर निर्मित, और जितने योगी ये सब के सब जितने भक्त सब के सब अगर कोई सार वस्तु बताए ना हरे नामान कीर्तनम, सब के सब हरि नाम कीर्तन को ही सार बताए। कहते केवल बद्ध जीव ही हरि नाम करेंगे ऐसे नहीं, जो मुक्त कुल जो संपूर्ण मुक्त हो गए संसार से वो भी क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी जब जा रहे थे प्रभु का नाम कीर्तन करते करते जा रहे, नारद ऋषि को देखो कहते ना नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नाम, नारद भी क्या करते हैं राधिका रमण नाम है, बिना भी राधिका रमण नाम से मिल जाता है। बोले शंकर जी कहते महामंत्र जी जप समय वो भी महामंत्र जप करते हैं। बोले पार्वती कहते सहस नाम सुने प्रिय वाणी जपी जई संग प्रिय भवानी। गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए शंकर जी की इतना प्रिय है, दिन भर पार्वती क्या करती है भगवान की नाम ही जप करती है। एक समय के साधु बोल रहे थे जब चित्रकेत महाराज आकाश में भ्रमण कर रहे थे उन्होंने क्या देखा, शंकर जी को देखा पार्वती को गोद में लेकर के ऋषि मुनियों को उपदेश दे रहे थे। इतने में चित्रकेत महाराज का टोंटी किया, बोले पत्नी को तो कोई एकांत में गोद में बैठा कर रखते हैं थोड़ी सबके सामने, फिर ऋषि मुनियों को आप ज्ञान की बात उपदेश दे रहे और अपना पत्नी को है गोद में बैठा करके है। जब उन्होंने इतनी सी बात बोले पार्वती तो एकदम तुनर हुई, फिर उन्हें अभिशाप उनको दिया। इसलिए कह रहे थे भैया शंकर जी वैष्णवा नाम जथा संभव, वैष्णव में अग्रगण्य शंकर जी है, कहते शिव सम को रघुपति व्रत धारी, कहते शंकर जी के बराबर जगत में रघुपति का व्रत को कौन धारण कर सकता है। लेकिन फिर ये सबके सामने मेरे गोद में क्यों बैठा करके पार्वती, कहते उसका कारण बताए, कहते शंकर जी कहते कहीं भी एक व्यक्ति अगर किसी कोण में बैठ करके एक बार भगवान का कोई नाम उच्चारण करे ना, शंकर जी वैष्णव है जो एक कोण में भी कहीं बैठ कर हरि नाम कर रहा है, कहते शंकर जी उनको प्रणाम, शंकर जी वैष्णव है ना उनको प्रणाम करते हैं, भगवान का नाम जब कर रहा है भगवान के नाम कीर्तन कर रहा है शंकर जी उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन फिर पार्वती को उन्हें फिर गोद में क्यों बैठा कर रखी, बोले कारण है बोले सहस नाम सुनी प्रिय वाणी जपी जई प्रिय संग भवानी। इसलिए भगवान मतलब पार्वती दिन रात भगवान के नाम को जप करती है, वो वैष्णवी है दिन भर भगवान के नाम को जप करती है। इसलिए जो व्यक्ति एक बार प्रभु का नाम ले शंकर अगर जहाँ से वहीं से प्रणाम करे, और जो हर समय भगवान का नाम जप करती है
इसलिए शंकर जी कहते भैया ये तो बड़े बड़े मेरे प्रिय हुई, इसलिए शंकर जी उसको अपना गोद में बैठा कर रखते हैं, कारण यही होता है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं जो उतना शास्त्र को मंथन करेगा तो अगर सार निकलेगा तो भागवत का जो लास्ट में भी कहते नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि, मतलब नाम संकीर्तन के द्वारा ही समस्त पाप केवल हरिनाम संकीर्तन से ही दूर होगा। इसलिए शास्त्र शास्त्र का जो सार है हरिनाम संकीर्तन ही, यही शास्त्र की यही सार है। इसलिए यहाँ का लेखा बड़ा सीखने का जो तात्पर्य है सार है भगवान की नाम। अगर सारे शास्त्र पढ़ लिया भगवान का नाम में रुचि नहीं हुई फिर तो सब बेकार सब बेकार। इसलिए भगवान कपिल देव कहते तो बोले अहो वत सहो सत बरियार जत विभाग वर्तत नाम कहते श्री कपिल देव अपना माँ को कहते माँ अहो अहो मतलब जिस कोई आश्चर्य चीज देखते है ना आश्चर्य चीज देख करके क्या आश्चर्य क्या आश्चर्य है। इसलिए कपिल देव मतलब अहो अहो मतलब कितना आश्चर्य की बात है, बोले क्या आश्चर्य की बात जब जिह्वाग्र वर्तते नाम शुभम तद संपूर्ण जिह्वा में नहीं जिसकी जिह्वा का अग्र देश में है भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है कितने सौभाग्यवान है। क्या समझो वो पूर्व जन्म में चार काम करके आया है, बोले क्या करके आया है बोले सारे तपस्या करके आया है सारे दान करके आया है सारे यज्ञ करके आया है और सारे तीर्थ भ्रमण करके आया है तभी इसी जीवन में इसकी जीवा के अग्र में हरिनाम उच्चारण हो रहा है। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भैया जीवा के केवल अग्र देश में जिसका भगवत नाम उच्चारण हो क्या समझो पहले चार काम करके आया, बोले जिसका संपूर्ण जीवा ठाकुर का नाम ले रहा कभी जीवा के अग्र देश में जो नाम खरीदना वही वहां कभी जिसका पूरा जीवा हरिनाम कीर्तन कर रहा है वो कितने सौभाग्य होगा, बोले तो बड़ा सौभाग्य बोले भैया दो कानों में जो भगवान की कथा सुन रहे वो कितने सौभाग्य बोले और सौभाग्य है बोले जिन्हें आंखों से ठाकुर का दर्शन करते और सौभाग्य है। और जो लोग दूर दूर देश में ब्रजमंडल में परिक्रमा करने के लिए आए हरी कथा कीर्तन हरिनाम करते वो कितने सौभाग्य बोले और सौभाग्य है। और जिन्होंने दोनों हाथों से ठाकुर का सेवा करते हैं तो और सौभाग्य है। इसलिए यहाँ कहते हैं जो व्यक्ति भगवत भजन करते हैं ना भगवान के नाम उच्चारण करते हैं साधारण भाग्य समझो सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा को स्वपि मामने करोड़ों करोड़ जन्म का सुकृति से कोई भगवान की भक्ति में एक व्यक्ति भगवत भजन करता है। इसलिए बड़े भाग्य से कोई हरिनाम कीर्तन करता है बड़े भाग्य से। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कहते संख्या निर्बंध राखिया उच्च स्वरे कीर्तन कर ले अनर्थ निवृत्ति है जाड्य प्रभु की पलायन करे एमन की हरि विमुख गण आर विद्रुप करते पारे ना। प्रभुपाद कह रहे हैं कहते संख्या निर्बंध राखिया उच्च स्वर हरिनाम कर ले अनर्थ निवृत्ति है कहते हरिनाम कैसे करनी चाहिए कहते संख्या निर्बंध नियम हरिनाम संख्या निर्बंध करके ना इतना हरिनाम हमें करना क्योंकि अब देखना हम बद्ध जी समय जब हम मिलता है ना फिर हम क्या किधर उधर की बात करेंगे बेटा बेटी नाती पोती दुनिया संसार की बात करेंगे दुनिया की बात करेंगे। लेकिन जब संख्या निर्बंध करके हरिनाम कर भैया इतना नाम तो कुछ करनी चाहिए तब हम दुनिया की बात बोलते हैं जब हमें समय मिलता है। अगर तुम्हें समय ही नहीं मिलेगा समय ही नहीं मिलेगा इसलिए महाप्रभु तभी तो बोले 1,00,000 हरिनाम करो समय मिलेगा तो दुनियादारी की बात करेगा ना। अगर 1,00,000 जो हरिनाम करेगा उसको तो दिन भर यही चिंता रहेगा माला पूरी कैसे करे माला पूरी कैसे करे उसका तो वही चिंता रहेगा ना। पर उसको समय कहाँ मिलेगा इधर उधर बात करने के लिए समय कहाँ मिलेगा। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जैसे आपको प्यार में कोई कांटा गड़ेगा प्यार में कोई कांटा गड़ेगा अभी वो कांटा को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा और एक कांटा और एक कांटा लाओ फिर वो कांटा को निकाल सकते हो। अभी हमारी
दिल में कांटा गड़ी गई, बोले कौन सा, बोले माया की कांटा गड़ी। अब ये माया को कांटा को निकालने के लिए और एक कांटा लो, बोले और एक कांटा लो मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या, बोले तात्पर्य है कुछ नियम रखो, कुछ नियम रखो। आज हम इतना हरिनाम करेंगे, रोज इतने ग्रंथ अध्ययन करेंगे, इतने स्तुति स्तव करेंगे, ये समय में आरती करेंगे, इसी समय में ये ग्रंथों को पढ़ेंगे, हैं कुछ उसको भक्ति का कुछ नियम बनाओ। जब नियम बनाएंगे हैं, इसलिए कोई कहते ना भैया माया छोड़ो माया छोड़ो, ये सब माया है, माया छोड़ो माया छोड़ो, नहीं आप माया छोड़ नहीं सकते, छोड़ने का जरूरत नहीं, जोड़ो, छोड़ने का जरूरत नहीं, जोड़ो। जब जोड़ेंगे ना माया अपने आप चली आएगी, अपने आप माया। इसलिए बोले भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र, जो विरक्ति बताया तृतीय स्टेज में बताया, बोले भक्ति है जब भक्ति करेंगे क्या होगा, उसको साथ साथ में परेशान भव भगवत अनुभूति होगी। जब भगवत अनुभूति होगी तृतीय स्टेज में बताया विरक्ति अन्यत्र, फिर तो विरक्ति जागृत होगी, पहले विरक्ति नहीं हो जाएगी। अब सोच रहे भैया माया माया छोड़ो छोड़ो छोड़ो, माया ज्यादा ही पकड़े, माया ज्यादा ही पकड़ेगा। इसलिए क्या करो, जोड़ो, मतलब अपना समय को हम इतने इसी समय पर ये सेवा करेंगे, इसी समय पर इतना स्तुति करेंगे, इसी समय पर हम ठाकुर का सेवा करेंगे, इस समय ठाकुर का हम श्रृंगार करेंगे, इसी समय पर उठेंगे, इसने हरिनाम करेंगे। बस अब देखना 24 घंटा जब भजन में लग रहे हो, फिर समय मिलेगा तब तो माया तुम्हें पकड़ेगा ना माया। तो इसलिए आप पहले बताए ना, जब हरिनाम कीर्तन को हर समय हम करते रहेंगे, फिर क्या होगा, तुम्हारे पास में अपराध करने का समय ही नहीं रहेगा। समय रहेगा तभी तो अपराध करोगे ना, समय जब रहेगा नहीं फिर अपराध करेंगे क्या, कर ही नहीं सकते हो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या करो, नियमित करके हरिनाम को संख्या पूर्वक हरिनाम को करो, फिर क्या करो, अनर्थ निवृत्ति है, बोले जाड्य प्रवृत्ति पलायन करे। तो यह कह रहे हैं कीर्तन हरिनाम कीर्तन कैसे करनी चाहिए, बोले ऊंचे स्वर से, ऐसे नहीं मन मन में, सभी मन मन में तो तीन तरह का हरिनाम करते हैं, एक ऊंचे स्वर में और एक है पास जहाँ कम से कम जहाँ कान तक नाम पहुंच सके, और एक होता है मानसिक रूप में, तीन तरह से हरिनाम करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा लाभ है ना, जब हम थोड़ी सी ऊंचे स्वर से हरिनाम करते, ऐसे नहीं मन मन में हरिनाम करते करते सो जाए, हम बता जी सुरक्ष हो जाएगी, पूरा लय आ जाएगी है। इसलिए इतना जोर से हरिनाम कर कम से कम अपना कान तक पड़े, अगर उससे और थोड़ी ऊंचे स्वर में कर सकते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि तुम्हारी जो जाड्यता है जड़ता है नष्ट हो जाएगी है। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर जो जोर जोर से हरिनाम कर रहे थे ना, पर उनको पूछा किसी मुसलमान भैया तू चिल्ला चिल्ला कर क्यों हरिनाम करता हूँ, हमने सुना भजन मानसिक रूप में करते, मन मन में करते, क्या दुनिया को सुना रहे, हम तो भगत हो, हम भगत हो। तो हरिदास ठाकुर क्या बोले, तुम बताओ एक व्यक्ति कमा करके अपना पेट पालता है, दूसरा व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को पालता है, बताओ दोनों में बड़ा कौन है। और जो पूरा परिवार को पालता है, जो मन मन में हरिनाम करता है वो अपना कल्याण करता है। लेकिन जब कोई ऊंचे स्वर से हरिनाम करता है, कभी ये नाम का ध्वनि जितना दूर तक जाता है, जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े लता पता ये कोई हरिनाम नहीं कर सकते, लेकिन जब हरिनाम की आवाज़ उनको कान में भी पड़े तो उनका भी कल्याण होता है, अपना तो कल्याण हुआ उनका भी कल्याण हुआ। फिर उन्होंने उदाहरण दिए हैं, कहते जप तो हरिनामान स्थानीय सप्त गुणा दिखे, इसलिए पुराण से एक श्लोक को उद्धृत करके बताए, जो मन मन में हरिनाम करते हैं उनको जो फल मिलता है, जो कोई उच्च स्वर से हरिनाम करे उससे 100 गुण ज़्यादा फल मिलता है, 100 गुण ज़्यादा, इतना महिमा उच्च स्वर से हरिनाम करने का इतना। और गुरुदेव उसको उदाहरण देते थे, जैसे कि पत्थर उठा और उसको पानी में डाल दो, फिर क्या होगा, फिर उसमें लहरी आएगी है, उसमें लहरी आएगी। जब हम उच्च स्वर से हरिनाम करते हैं उसका जो शब्द
पर जितने दूर तक इसका शब्द जाए, जितने दूर तक इसका शब्द जाए क्या होगा, पर जितने तरह का दुख कष्ट क्लेश सबके सब पाप इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। जितना दूर तक हमारे गांव में जब बड़ा दुख कष्ट आता था गाँव में, आग लग गई, कहीं हैजा, महामारी, तरह तरह का दुख कष्ट गाँव में, हमारे गाँव के लोग क्या करते थे, मृदंग और मजरा लेकर के गाँव में हरि कीर्तन करना शुरू कर देते, हरिनाम करना शुरू करते, हरिनाम बैठ करके अष्ट अपराह हरिनाम होता था, आठ आठ अपराह हरिनाम होता था। जब भगवान का नाम कीर्तन होता था, कीर्तन का प्रभाव से धीरे 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 गाँव अपने आप शांति से होता, अपने आप गाँव में शांति से होता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हरिनाम जब हम उच्च स्वर से करेंगे, हमारी अंदर में जो अलसता है ना, अलसता नष्ट हो जाती है, वो जाग्रता भी जड़ता भी नष्ट हो जाती है और अनर्थ निवृत्त है। एमन की हरि विमुख गण आर विद्रुप करते पारी हुए ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि भजन करते चिड़ी जाते हैं, तरह तरह का विद्रुप करते हैं, उपहास करते हैं। प्रभुपाद कहते अगर उच्च स्वर से हरिनाम करेंगे तो क्या होगा, जो हरि विमुख गण तुम्हारे कोई विद्रुप नहीं कर सकते, हमारी कोई बाधा नहीं पहुँच सकते भगवान का नाम अगर उच्च स्वर से हरिनाम करेंगे। जैसे श्री श्री श्रीवास पंडित, वो क्या करते थे, चार भाई हैं, पूरा पत्नी परिवार बैठ करके दिन भर हरिनाम करके रात भर हरिनाम करते, हमारे श्रीवास पंडित वो चार भाई थे, दिन भर भी रात भर भी हरिनाम करते थे। लोग बड़ा विद्रुप करते थे, हाँ इनको घर को बहा देंगे, गंगा में बहा देंगे, ये रात भर सोते नहीं, दूसरों को सोने नहीं देते, खाना तो मिलता नहीं, पेट में भूखे और भूख कोई काम धाम नहीं, हाँ रात भर चिल्ला चिल्ला करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, रात भर चिल्लाते रहते। अभी किसने बोल दिया, जो काजी है ना, जो मुसलमान राजा, वो बोल रहा है, बोले जो हरिनाम करते हैं ना उनका, उनको पुलिस आ कर ना पकड़ करके ले जाएगा, जेल में बंद कर देगा सबके साथ, और उनका घर उठा कर देंगे, बहा देगा सबके साथ, हैं जो इसको हरिनाम करते हैं, हैं। इसलिए अभी इसको सुन करके तो श्रीवास डर गए, डर करके उन्होंने क्या किया, नरसिंह भगवान को पूजा करना शुरू किया, हाँ नरसिंह भगवान को, नरसिंहदेव हर विपत्ति में नरसिंहदेव रक्षा करते, नरसिंहदेव को पूजा करना शुरू किया। और इतने में महाप्रभु दौड़ दौड़ करके महाप्रभु आए और उन्होंने दरवाजा को जोर से एक लात मारी, दरवाजा खुल गया, देखा श्रीवास पंडित नरसिंहदेव को पूजा कर रहे, बोले श्रीवास, बोले श्रीवास तुम डरे हुए हो, जो हरिनाम कीर्तन करते हैं उसको पुलिस आकर के ले जाएगा पकड़ करके राज दरबार में, दरबार में ले जाएगा। महाप्रभु कहते कोई चिंता मत करो, अगर राजा आएगा ना सबसे पहले मैं जाऊंगा और मैं बोलूंगा तुम्हारी जो जानवर को तुम अपना कलमा उच्चारण कराओ, अगर नहीं कर पाएगा तो मैं उच्चारण करवाऊंगा, और बल इसका प्रमाण देखोगे श्रीवास पंडित का भातृपुत्र नारायण थी जिसने चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखे, तो देखो अभी तुमको दिखा था, एकदम छोटी बच्ची थी, बोले बोलो तो हरिनाम बोल के रो, इतना छोटी बच्ची हरिनाम करके ऐसे रोना शुरू कर दिया हरिनाम करते हुए, हैं ऐसे, बोले चिंता मत करो, महापुरुष बहुत बड़ी बात है। महापुरुष कहते हैं राजा जो बोलेगा, जो भजन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, उनको पकड़ कर ले आओ, अभी उसका हृदय में कौन परमात्मा बैठा है, मैं ही तो बैठा हूँ ना, सभी का जीव में कौन बैठा है, मैं ही तो सभी का जीव में परमात्मा रूप में बैठा हूँ, जब तक मैं नहीं बोलूंगा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा, राजा कैसे बोलेगा, किसको पकड़ कर निकल जाएगा, बोलने वाले तो मैं हूँ ना, बोलने वाले तो मैं हूँ। इसलिए जो भक्त लोग हैं ना पूर्ण विश्वास, जैसे श्री अम्बरीश महाराज है, जब उनके ऊपर में कृत्या आई, इतना विश्वास था भगवान के ऊपर में, हाथ जोड़ कर खड़े पर जाके राके साइया मार सके ना कोई, पाल ना बांका कर सके जो जग बही। इसलिए हृदय में प्रेरणा देने वाली भगवान है,
अगर वो प्रेरणा नहीं दे तो फिर हमें कौन पकड़ कर ले जाएगा, कोई पकड़ कर ले नहीं जा सकते। इसलिए लेकिन वहाँ पर कोई गोपाल चावल था है? उसने विद्रोह किया, उसने उनको घर को सामने मदिरा और शराब शराब और मांस और एक जवाब फूल होता है जिसको तरह देवियों को पूजा करना है उसका बदनाम करने के लिए उसने किया कि उनको घर को सामने ला कर रख दिया। सवेर हुआ तो लोगों को इकट्ठे कर दिया, बोले देखो देखो कि रात को क्या करते, देखो आप लोग सबको बुला कर दिखा, देखो कि जब मांस मदिरा से ना ये देवी को पूजा करती है और रात को स्वर्ग से अप्सरी बुलाते हैं उसके साथ भोग करते हैं और कहते रात भर हम भजन करते हैं हरिनाम करते हैं। उनको इस उम्र ने बदनाम कराया, बदनाम कराया तो उनका शरीर में गली तो पूर्ण हो गया, उनको नाक गल गया, उनके कंठ में कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े पड़ गए, इतना कष्ट इतने कष्ट उसने उठाया। महाप्रभु के पास में गए, बोले प्रभु जब इतना कष्ट उठाया, बोले प्रभु मेरा अपराध माफ कर दो, हमने विद्रोह किया भक्तों के निवास बन हुआ इसलिए अपराध वैष्णव अपराध किया, सारे गल गया हाथ पैर से गल गया उसकी, बोले अपराध माफ कर दो, बड़ा कष्ट उठा रहा हूँ। महाप्रभु ने कहा देखो अगर प्यार में कांटा चुभ जाए ना वो सर में नहीं निकलता है, प्यार से ही निकलेगा, तुमने जो अपराध किया मेरे चरण में नहीं ये श्रीवास पंडित जी चरण में अपराध किया था उसके चरण में माफी है, उनकी चरण में जाकर माफी मांगो। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते जो व्यक्ति उच्च स्वर में हरिनाम करेगा है और भगवान का नाम संख्या पूर्वक करेगा भजन करेगा ना बस उसको ठाकुर जरूर उसको अच्छा करेंगे। जो लोग विद्रोह करने वाले विद्रोह करने वाले उनको भजन में जो बाधा देने वाले प्रभुपाद तुम्हारे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान के ऊपर में जिसने प्रहलाद को रक्षा किया, द्रौपदी को रक्षा किया, जिसने सारा दुनिया को रक्षा किया, ये हमें रक्षा नहीं करेंगे, हमें क्या रक्षा नहीं करेंगे, तो जरूर रक्षा करेंगे क्योंकि सभी का हृदय में भगवान परमात्मा भगवान ही बैठे हैं। जब तक वो किसको प्रेरणा नहीं देते ना कोई कुछ अवकाश बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं निर्भय होकर क्या करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, सचिनंदन गौर हरी की जय। हमारे संजय प्रभु जी आपको कुछ अच्छी अच्छी कथा सुनाएंगे, संजय प्रभु जी कृपा करके आप आएंगे जो बाकी है ना कथा को, जब हम गोवर्धन आएंगे इस कथा को गोवर्धन ने कथा सुनेंगे, प्रभुपाद का उपदेश सुनेंगे, इसमें प्रभुपाद और अच्छे अच्छे बात सब बताएंगे गोवर्धन में बैठ करके। मैं देखता हूँ वहाँ पर हमारे स्थान है वहाँ पर तो और उसको बहुत लोग आ जाते हैं, अगर आप पिछले बार गुरुवे गौरचंद्राय राधिका कृष्णाय कृष्ण श्रील गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि दंड प्रणाम, उसके बाद महाराज जी के चरणों में मेरा दंड प्रणाम। कितने हिंदी भाषी हैं, बहुत सारे हिंदी भाषी हैं, महाराज जी जो कुछ विषय अभी हम लोगों को सुना रहे थे, सुनते सुनते दो एक बातें शिला प्रभुपाद जी की जो मेरे मन में आई मैं उसको आप लोगों को बताता हूँ। विशेष करके हम लोग गुरु जी की कथा सुन रहे थे आज, तो गुरु महाराज जी कार्तिक परिक्रमा लगभग समाप्त होने के बाद में
गुरु जी ने अपनी हरि कथा में एक बात बतलाई, बड़ी विशेष बात। गुरु जी कहते हैं कि जिस समय देवानंद गोड़िया मठ में विग्रह प्रतिष्ठा हुई, मतलब 50s में जिस समय देवानंद गोड़िया मठ में विग्रह प्रतिष्ठा हुई, तो गुरु जी कहते हैं उस समय बहुत 15,000-20,000 लोग देवानंद गोड़िया मठ में आए। परम गुरु जी ने सबको निमंत्रण दिया। तो एक दिन परम गुरु जी ने सारे लोगों के बीच में सभा में ये सबसे पूछा, गुरु जी सब लोग निकट में बैठे थे, सबसे परम गुरु जी ने पूछा कि परिक्रमा कौन कर रहा है, परिक्रमा कौन कर रहा है। तो हमारे गुरु जी कहते थे कि मैं अपने गुरु जी के साथ, अर्थात गुरु जी परम गुरु जी के साथ बहुत फ्रैंक थे, सारी बातें पूछते थे, बड़े खुले हृदय से सारे प्रश्न पूछते थे उनसे। तो जब परम गुरु जी ने ये प्रश्न पूछा कि परिक्रमा कौन कर रहा है, तो गुरु जी कहते हैं मैंने उत्तर दिया, क्योंकि परम गुरु जी के सामने बैठे थे निकट में, तो गुरु जी ने उत्तर दिया कि उस समय गुरु जी नए थे, कुछ ही वर्ष मठ में हुए थे, तो गुरु जी ने उत्तर दिया कि ये तो 15,000-20,000 लोग हैं, सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। तो गुरु जी कहते उसके पश्चात परम गुरु जी ने हम लोगों को बतलाया कि परिक्रमा केवल एक व्यक्ति कर रहे हैं, वो है गुरुदेव। परिक्रमा केवल एक व्यक्ति कर रहे हैं, वो है गुरुदेव। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, बाकी जितने लोग श्री गुरु का अनुसरण कर रहे हैं, जितने लोग श्री गुरु को का अनुसरण कर रहे हैं, जितने परिमाण में कर रहे हैं, उनकी उतने परिमाण में परिक्रमा हो रही है। ये एक बात गुरु जी ने बताई। उसके बाद गुरु जी ने एक और बड़ी विशेष बात बताई कि इसलिए जो परिक्रमा कर रहे हैं अथवा जो हरि कथा कह रहे हैं अथवा जिनका भी हम संग कर रहे हैं, उनकी चित्त वृत्ति के ऊपर में फल प्राप्ति निर्भर है। जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, जिनके अनुगत्य में हम परिक्रमा कर रहे हैं, उनकी चित्त वृत्ति के ऊपर फल प्राप्ति निर्भर करती है। इसलिए गुरुदेव या ज्येष्ठ वैष्णव लोग, श्रेष्ठ वैष्णव लोग जब परिक्रमा कर रहे हैं अथवा करा रहे हैं, तो उनकी जो चित्त वृत्ति है, उनके जो मन की दशा है, उसका हमको अनुसरण करना पड़ेगा। जब तक उसको अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक वास्तव परिक्रमा और वास्तव परिक्रमा का जो फल है वो हमको नहीं पता चलेगा। अभी महाराज जी प्रभुपाद जी की बात सुना रहे हैं, यदि हम साधु के संग में बैठ करके इन सब बातों को सुनेंगे ही नहीं, तब तक उस विषय के प्रति हमारी रति मति बड़े दृढ़ रूप से नहीं लगेगी। श्री प्रभुपाद जी जब महाराज जी बता रहे थे, तो एक बात मुझे स्मरण हुई। श्री प्रभुपाद जी एक समय जयपुर में थे, तो जयपुर में एक स्थान है गीजगढ़, है जयपुर में स्थान गीजगढ़ है, तो जयपुर वासी है, माता भी जयपुर की है। जयपुर में एक स्थान है गीजगढ़, वहाँ पे श्री प्रभुपाद जी थे जून मास में। तो उनसे मिलने के लिए एक वहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे, उनका नाम था ठाकुर कुशल सिंह जी, वो उनसे मिलने के लिए आए प्रभुपाद जी से, सुनने की बात है। तो बहुत लंबा उनके साथ प्रभुपाद जी का वार्तालाप हुआ, बड़ी सारी बातें उन्होंने पूछी। वो वृंदावन के एक बाबा जी संप्रदाय के किसी के आश्रित थे, वृंदावन में एक बाबा जी संप्रदाय के किसी के आश्रित थे। बहुत सारी बातें उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछी, किंतु महाराज जी जिस विषय को बता रहे थे उसके विषय में प्रभुपाद जी से उन्होंने एक बात कही, बहुत लंबी बातचीत हुई। तो संध्या हो चली थी, उन्होंने उठ करके जाने के लिए प्रभुपाद जी से आदेश मांगा, ये कहते हुए कि मेरा संध्या वंदन कुछ बाकी है, नित्य कृत्य मेरा कुछ बाकी है, मैं फिर कभी आपके निकट में आऊँगा आपसे सुनने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको उत्तर देते हुए एक श्लोक बतलाया, धर्मा स्वनिष्ठता पुंसाम विश्वक्सेन कथासुया ना उत्पादयेत यति रतिम श्रम ए भी केवलम, के आप अपने सारे नियमों का पालन करते हुए भी, चाहे वो वर्णाश्रम धर्म के हो अथवा भक्ति के भी, यदि आप नियमों का पालन कर रहे हो, किंतु आपकी ना उत्पादयेत यति रतिम, किस वस्तु में, हरि कथा में आपकी रति यदि उत्पन्न नहीं हुई, तो श्रम ए भी केवलम, सब कुछ श्रम है। यदि आप सारे नियमों का पालन कर रहे हो किंतु हरि कथा में आपकी रुचि नहीं हुई, साधु संग में रुचि नहीं हुई, तो आपका एक प्रकार से वो सब श्रम है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे बिना साधु संग के, बिना श्रेष्ठ वैष्णव गुरु के अनुगत्य के जो परिक्रमा है, वो परिक्रमा कसरती भक्ति है, वो वास्तव फल नहीं देगी वो परिक्रमा। ये बात श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे। अभी महाराज जी नाम की बात बतला रहे थे, साधु संघ की बात क्यों आई, श्रीमन महाप्रभु जी के परिकरों ने इस बात को बड़े स्पष्ट रूप में कहा है, हम हरिनाम करने या हरिनाम की महिमा सुन रहे थे, कि जदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग करो भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा दूरे परिहर। यदि कृष्ण नाम करने की तुम्हारे हृदय में इच्छा है तो साधु संग करो,
गुरु जी की जिस कथा को मैं बतला रहा था उस कथा में गुरु जी ने इतना बल दिया कि आप हरिनाम करो, धाम परिक्रमा करो, बिना साधु संघ के भक्ति की कोई भी क्रिया मत करो। यदि बिना साधु संघ के भक्ति की कोई भी क्रिया करने जाओगे वो अपना वास्तव फल नहीं देगी। इसलिए यदि करीबे कृष्ण नाम, यदि कृष्ण नाम करने की इच्छा है तो साधु संघ करो। भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा दूरे परिहर। अब साधु संघ कैसे करेंगे? साधु संघ अब कैसे करेंगे? सुनने की बात बड़ी रोचक बात है कि साधु संघ कैसे करेंगे। तो गुरु जी कहते हैं उसमें एक विशेषण लगा दिया, एक दो नहीं तीन विशेषण लगा दिए। भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा दूरे परिहर। साधु संघ कैसे करोगे? भुक्ति की इच्छा को अर्थात जागतिक भोग प्राप्त कर लूंगा साधु संघ में, गुरु के अनुगत्य में परिक्रमा का फल, कोई जागतिक फल कर लूंगा। जैसे लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो गिरिराज जी से कुछ जागतिक फल प्राप्ति की कामना करते हैं, वो वास्तव फल नहीं देगी गिरिराज जी की परिक्रमा। गुरु जी कह रहे गिरिराज जी ये सब जागतिक वस्तु दे करके आपको वंचित कर देंगे, किंतु गिरिराज जी तो श्रीमती राधिका के दास से भाव को देने में भी समर्थ है, वो तो वो वस्तु भी दे सकते हैं। अब ये तो मांगने वाले की इच्छा पर निर्भर है। भुक्ति और मुक्ति, मुक्ति अर्थात ब्रह्म में मिल जाना, और सिद्धि वांछा किसी भी अन्य प्रकार की सिद्धि, इन सबको दूर छोड़ दो। जब तक हम कोई भी, कहने का अर्थ है जब तक हम कोई भी जागतिक कामना को लेकर के, जागतिक कामना अर्थात जब तक कृष्ण की सेवा की वृत्ति अर्थात कृष्ण की सेवा की वासना को जागृत हो जाए हमारे हृदय में, इस भावना के अतिरिक्त और कोई भी भावना लेकर जाएंगे साधु के निकट में, हम विफल हो जाएंगे। हम साधु संघ का वास्तविक फल हमको नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं साधु संघ भी कैसे करो? भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा दूरे परिहरो। एक और बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। श्रीला प्रभुपाद जी 1929 में नवंबर मास में काशी में थे। सुना आप लोगों ने संभवतः, बहुत सारे लोगों ने सुने नहीं होंगे। 1929 में नवंबर मास में श्रीला प्रभुपाद जी काशी में थे। तो श्रीला प्रभुपाद जी से मिलने के लिए एक श्रद्धालु भक्त थे वहाँ के, सेशन जज उस समय के, उनका नाम था श्री राय बहादुर वसु। वो शिला प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए। बड़ी देखो, अभी महाराज जी ने श्रीवास पंडित जी का नाम लिया तो ये बात दिमाग मस्तिष्क में स्मरण हो गई, प्रभुपाद जी का क्या आदर्श था और हम लोगों को इस भक्ति मार्ग का हमारा भी क्या प्रिंसिपल, क्या आदर्श होना चाहिए। श्रीवास पंडित जी की बात महाराज जी बता रहे थे, बात मन में आ गई। प्रभुपाद जी से मिलने के लिए वो सेशन जज आए, क्या नाम था उनका? राय बहादुर वसु। उनके एक मित्र थे, वो थे वहाँ के सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर, बहुत बड़े। उनके वो उनकी पुत्री जो उनके मित्र थे राय बहादुर वसु के मित्र, प्रभुपाद जी का विचार सुनना, उनकी पुत्री जो थी वो अस्वस्थ हुई, बीमार पड़ गई। तो उन्होंने क्या किया, रात दिन उनके घर में महाप्रभु का कीर्तन करना आरंभ कर दिया। रात दिन पुत्री बीमार पड़ गई, एक ही बेटी थी घर में, वो बेटी बीमार पड़ी। अब ये है भजन के बड़े उन्नत आदर्श की बात, भक्तों की चित्त वृत्ति कैसी होनी चाहिए। गुरु और वैष्णव के निकट आकर के किसी भी प्रकार की जागतिक कामना करने पर हम वास्तव फल से वंचित हो जाएंगे, ये मुख्य बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हमारे भजन का आदर्श क्या है ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। उनकी बेटी जब बीमार पड़ी तो रात दिन उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपने घर में महाप्रभु का नाम संकीर्तन होता ना अष्ट प्रहर, अष्ट प्रहर नाम संकीर्तन करना आरम्भ करवा दिया। 56 भोग लग रहे पुनः पुनः, बहुत दिनों तक ऐसा चला। और उसके पश्चात भी क्या हुआ, उनकी पुत्री शरीर छोड़ दिया। अभी उनकी जो श्रद्धा थी महाप्रभु के प्रति, जो भक्ति थी वो सारी चली गई, सारी भक्ति सारी श्रद्धा छोड़ दी। और जो भी भक्तों की सेवा करते थे, जो कुछ हरी कथा सुनते थे, वो सब बंद कर दिया। उनके मित्र ये जो थे सेशन जज राय बहादुर वसु, ये प्रभुपाद जी के निकट में आते थे, श्रद्धालु थे। इन्होंने प्रभुपाद जी के निकट में आकर प्रभुपाद जी को ये सारा वृतांत बताया, सारी घटना बताई प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी से कि इतनी भक्ति की इन्होंने महाप्रभु जी की, इतनी सेवा की, फिर भी इनकी बेटी चल बसी। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, हम लोग जिन महाप्रभु की सेवा करते हैं वो महाप्रभु कौन है? हम महाप्रभु की, कौन से महाप्रभु की हम भक्ति करते हैं? हम महाप्रभु, कौन से महाप्रभु की भक्ति करते हैं? हम श्रीवास पंडित जी के महाप्रभु की भक्ति करते हैं। श्रीवास पंडित जी के महाप्रभु कौन है? श्रीवास पंडित जी का आदर्श क्या है? श्रीवास पंडित जी के छोटे एक पुत्र की मृत्यु हो गई, श्रीवास पंडित जी ने क्या आदर्श दिखाया? वो घर के भीतर गए और अपने सारे पारिवारिक जनों को क्या कह दिया,
वो भीतर में क्रंदन कर रहे, रो रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया भीतर में जाकर, कल रब सुनी यदि प्रभु बाह्य पाए तबे आमी गंगाए प्रवेशिमु सर्वथाय। आप लोग भीतर में क्रंदन कर रहे हो, मेरे प्रभु बाहर नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। यदि आपका ये क्रंदन, ये शोर सुनकर मेरे महाप्रभु का ध्यान भंग हो गया, मैं गंगा में कूद जाऊंगा। अपनी पत्नी अपने पारिवारिक जनों को श्रीवास पंडित कह रहे हैं, सुनकर के सारे चुप हो गए। अभी बाहर आकर नृत्य कीर्तन करने लगे तो महाप्रभु को तो अंतर्यामी कुछ रस भंग होने लगा। महाप्रभु ने पूछा, आज घर में कुछ ना कुछ विपरीत हुआ है। तो भीतर जाकर देखा तो पुत्र मर गया। महाप्रभु ने उसके पश्चात, आप लोगों ने सुना होगा, पुत्र की आत्मा को वापस बुलाया, उनको उपदेश दिया। महाप्रभु जब श्रीवास पंडित बाहर में आकर श्रीवास पंडित जी को आलिंगन करते हुए महाप्रभु क्या कहते हैं, महाप्रभु ने बड़ी एक सुंदर बात कही, ये भक्तों का आदर्श है, ये गौड़ीय वैष्णव का विशेषकर प्रभुपाद जी का आदर्श है। महाप्रभु ने बाहर आकर के कहा कि पुत्र श्लोक ना जानी लो जेई मोर प्रेमे है नो सब संग मुई छाड़ी मुँह कैमुन। अरे पुत्र का शोक भी नहीं हुआ इनको, मेरे लिए मेरे प्रति इनकी इतनी प्रीति है, इनका इतना मेरे प्रति आदर सम्मान श्रद्धा है, पुत्र का शोक भी इनको नहीं अनुभव हो रहा है, मैं इनका संग कैसे छोड़ दूंगा। तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हम गौड़ीय वैष्णव कौन से महाप्रभु की सेवा करते हैं, कौन से महाप्रभु की भक्ति करते हैं, जो श्रीवास पंडित जी के महाप्रभु। अर्थात उन्होंने आकर के क्या बात कही थी, इतनी भक्ति करने पर भी बेटी मर गई, किंतु महाप्रभु क्या कह रहे, शिला प्रभुपाद जी क्या कह रहे, हम उन महाप्रभु की सेवा नहीं करते जो तुम्हारे सुपरिटेंडेंट जी के बागान के माली हैं। समझ में आई बात, बागान के माली अर्थात कि तुम ऑर्डर करोगे, कृष्णा इज नॉट, महाप्रभु इज नॉट योर ऑर्डर सप्लायर, आप ऑर्डर करोगे और महाप्रभु तुम्हारी बेटी को जीवन दान दे देंगे, नहीं तो बागान के माली नहीं, आप ऑर्डर करोगे आज ये फूल उगा दो आज वो फल दे दो ना। हम किसको, हम कौन से महाप्रभु की भक्ति करते हैं, जो श्रीवास पंडित जी के महाप्रभु। पुत्र शोक भी मर गया, इतनी बात कर आगे, कितने ऊंची बात है ना, बात की कितने ऊंची बात है, इतना श्रेष्ठ आदर्श है। हम कौन से महाप्रभु की भक्ति कर रहे हैं, जो श्रीवास पंडित जी के जो आराध्य हैं, ये गौड़ीय वैष्णव, इतना इतनी हाइट है प्रभुपाद जी के विचारों की, इस भक्ति की इतनी हाइट है। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं कि यदि करीबे कृष्णाम साधु संग करो, किंतु साधु संग कैसे करोगे, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा दूरे परिहर, कोई हृदय में कोई अन्य प्रकार की कामना ना हो। गुरु के निकट में जाएंगे, साधु के निकट में जाएंगे, किस लिए, केवल गुरु जी हमको क्या वस्तु देंगे, शिला प्रभुपाद कह रहे हाईएस्ट गुड। सारी जगत की वस्तुएं छोड़ो, त्रिभुवन की बात छोड़ो, चतुर्दश ब्रह्मांड की बात छोड़ो, चतुर्दश ब्रह्मांड में भी जो वस्तु नहीं है उससे भी श्रेष्ठ वस्तु, जिसको लक्ष्मी भी प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है, उद्धव जी तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, वो हाईएस्ट गुड जो है वो हमारे गौड़ीय वैष्णव गुरुवर्ग दे सकते हैं। ये इतना ऊंचा उद्देश्य है ये परिक्रमा कराने का है, ये भाव, ये विचार, ये सारी वस्तु देने के लिए हमारे गुरुजी बार 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 इस बात को इतना बलपूर्वक कह रहे हैं, ये वस्तु हमारे हृदय में आए, ये लोभ हमारे हृदय में आ जाए, इस वस्तु के लिए ये इतना सारा आयोजन, ये ब्रजमंडल परिक्रमा, ये नवदीप परिक्रमा, ये गौड़ीय वैष्णवों का साधु संघ। इसलिए गुरु जी स्वयं भी कहते थे इस बात को, मैंने तुमको बहुत उन्नत साधु संघ दिया, बहुत उन्नत साधु संघ, उसका यदि लाभ नहीं उठाओगे फिर से इसी चतुर्दश ब्रह्मांड में भ्रमण करना पड़ेगा। तो इसलिए महाराज जी कुछ कुछ बहुत सारी बातें और मन में आ रही हैं, इसके बाद हम फिर कल गोवर्धन जाएंगे तो हम समय बांध करके ये सब कथा सुनेंगे। ये सब विचार यदि ना सुने तो हमारे पास में हमारे गुरुवर्गों के ऐसे विचार रूपी संपत्ति है कि अद्भुत है, हृदय में ऐसा आश्चर्य उत्पन्न कर दे उनके विचार, पता चले कि परमार्थ वास्तव में किसको कहते हैं। हमने जिसको परमार्थ समझ रखा है उससे कुछ भिन्न उनका परमार्थ है, उससे कुछ भिन्न उनका आदर्श है। तो हम इन सब बातों को सुनेंगे, आज यहीं तक रहे, बहुत प्रेम आनंद विचार सुनने पर है ना, फिर तो हृदय में भक्ति की बड़ा भीड़ का, नहीं तो क्या आप थोड़ी थोड़ी भजन करते हुए थोड़ी सी विपत्ति आ जाए ना, भले ही खाना नहीं छोड़ेंगे, पीना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, पहले माला ही छोड़ेंगे। उनके मित्र थे सुपरिटेंडेंट पुलिस में अफसर, उनकी बेटी मर गई, श्रद्धा थी, महाप्रभु की भक्ति करते थे, गौड़ीय वैष्णवों का संग करते थे, प्रभुपाद जी का प्रचार था काशी में, बेटी मर गई सब छोड़ दिया, तब प्रभुपाद जी ने ये बात हिला देने वाले
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम नित्यानंद प्रभु की जय श्री गुरुदेव की जय प्रभुपाद की जय ब्रजमंडल परिक्रमा की जय गिरिराज महाराज की जय कल से श्री गिरिराज गोवर्धन की कथा सुनेंगे सब भक्तों सब हमारे हिंदी भाषियों को हम बोल देंगे आप लोग भी बोल रहे हैं हम लोग हिंदी भाषा में कथा होगी वहाँ पर जा कर ना समय को देख करके 4:30 बजे